हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मावा पूरनपोली की रेसिपी। मुंह में घुल जाने वाली ये पूरनपोली आपको बहुत पसंद आएगी। इससे पहले भी मैंने एक पूरनपोली की रेसिपी अपलोड की है, पर व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी को मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है ये खोए वाली जो पूरनपोली होती है, इसका टेस्ट ही बहुत बेहतरीन होता है, बिल्कुल मिठाई की तरह लगता है खाने में। देखिए मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ कितना ही सॉफ्ट बनी है, और इसको प्योर घी के साथ खाया जाता है। ये पूरन से भरी हुई बहुत ही खाने में मजे की लगती है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। चना दाल ली है 1/2 किलो, यानी कि 250 ग्राम चना दाल ली है। तो सबसे पहले चने की दाल को हमें अच्छे से 2 से 3 मरतबा वॉश करना है, और वॉश करने के बाद इसमें अच्छा पानी यानी साफ वाला पानी ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है। हमारी अच्छे से फूल चुकी है, कितने अच्छे से फूली हुई दाल है, तो इसी तरह फूली हुई दाल का ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो हम दाल को अब पकने के लिए रख देते हैं, उसमें हम पानी ऐड करके। तो यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें हम ये दाल को ट्रांसफर करेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी कितना ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इतना ही पानी हमने डाल दिया है, एक कप और आधा कप यानी कि 1.5 कप हमने पानी इसमें ऐड किया है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और अब हम दाल को पकने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 सीटी हमें लेनी है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें दाल कितनी कुक होनी चाहिए। हम इसमें 250 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे, यानी कि 1/4 किलो गुड़ ऐड करना है। ये दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, 4 से 5 सीटी में ही ये दाल गल जाती है। तो दाल देखिए कितनी बेहतरीन गली है, आप तो देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारी दाल गल गई है, बहुत गर्म है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए इसमें पानी नहीं है, हल्का सा ही सिर्फ इसमें मॉइस्चर है। तो इसी मॉइस्चर में हम ये गुड़ ऐड करेंगे। ये गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसे थोड़ी देर इस तरह से पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है ये मॉइस्चर निकल जाए। फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखा है और इसी तरह चलाते रहेंगे बार बार, एक दो दो मिनट के बाद इस तरह से हमें चलाते रहना है। इसमें जो पानी है वो उसे हमें सुखाना है। देखिए हमारी दाल में जो पानी था वो सूख चुका है, तो फ्लेम को हमने लो किया है। तो अब हम इसे इस तरह का यहाँ पे जो पाव भाजी हम मैश करते हैं, तो पाव भाजी के मैशर से इसे हल्के हल्के हाथों से मैश करेंगे। सारी दाल को अच्छे से मैश करके लेना है। देखिए दाल हमारी अच्छे से मैश हो गई है, स्मैशर से हमने अच्छे से मैश कर लिया है। हमारी अच्छे से मैश हो गई है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेनर लिया है और नीचे इसके एक बर्तन रखा है, क्योंकि जब हम इसमें दाल स्ट्रेन करेंगे तो ये नीचे दाल गिर जाएगी। तो अब हमने जो मैश की हुई दाल है, तो अब हम इसमें दाल को डाल देते हैं। देखिए हमने दाल को अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब हमें स्ट्रेन करने में आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास ये पूरन मेकर भी है तो आप पूरन मेकर से भी आसानी से कर सकते हैं। तो पूरन मेकर क्या होता है कि सब लोगों के पास, हर कोई किसी के पास नहीं होता है, तो इसलिए हमने ये स्ट्रेनर का यहाँ पे ये इस्तेमाल किया है। और इसके पहले भी मैंने एक पूरनपोली का ये रेसिपी अपलोड की है, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बनी है। तो देखिए इस तरह से हमने एक यहाँ पे वाटी का इस्तेमाल किया है जो नीचे से राउंड होती है, तो इससे जो ये पूरन है वो इजीली ये होता है, स्ट्रेन होता है। तो देखिए इस तरह से इसे करना है। देखिए कितने आसानी से हो रही है और कितने आसानी से हम ये पूरनपोली घर में बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से और कितनी अच्छी सूखी सूखी हमारी दाल जो है वो स्ट्रेन हो गई है, उसको पीसने की भी जरूरत नहीं है और सिलपट्टे की भी जरूरत नहीं है। पुराने लोग सिलपट्टे का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह अब हम सारी दाल इस मैशर से मैश कर लेते हैं। देखिए तो इसी तरह हम सारी दाल स्ट्रेनर से पास कर लेते हैं। इस तरह से सारी दाल को स्ट्रेन कर लिया है।
देखिए दाल को हमने लो फ्लेम पे रख दिया है, तो अब हम इसमें दालचीनी पाउडर 1/2 टीस्पून और इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। अब मिक्स करेंगे अच्छे से दाल के साथ। और दाल देखिए कितनी अच्छी सी सूखी सूखी है हमारी, तो इसी तरह हमें सूखी सूखी दाल का ही इस्तेमाल यहाँ पे करना है। हमने यहाँ पे मावा लिया है यानी कि खोया लिया है 100 ग्राम, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मावे को भी और दाल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी पूरन पोली को और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। देखिए दाल हमारी अच्छे से सूखी थी, इसलिए ये जो मावा हमने ऐड किया है वो अच्छे से इसके साथ मेल्ट हो रहा है। अगर दाल पतली हो जाएगी तो इसमें मावा है वो मेल्ट तो हो जाएगा लेकिन दाल की पूरन पोली अच्छे से ठीक से नहीं बनेगी। तो अब हम फ्लेम को बंद करते के साथ दाल को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मावे को हमने दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। गेहूं का आटा, तो हमने गेहूं का आटा लिया है 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। और यहाँ पे हमें लगेगा मैदे का आटा यानी कि मैदा भी लगेगा, तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम मैदा लिया यानी कि 100 ग्राम मैदा और 150 ग्राम व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, ये दोनों को हमें मिक्स करना है। और उसमें हम ये नमक ऐड करेंगे, नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स करना है। तो सबसे पहले हम ये आटा लगा लेते हैं पूरन पोली का लिया है, तो हम आटे को परात में ट्रांसफर करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो पूरन पोली को अच्छा सा कलर आ जाए। फूड कलर की जगह पे हमने ये हल्दी का नेचुरल कलर इस्तेमाल किया है और हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी से पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे भर के ऑयल लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको एंड में बताती हूँ कि हमें कितना पानी गूंदने के लिए लगा है। आटे को हमें सॉफ्ट ही गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना है। देखिए आटा हमारा कितना अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन आटे को अच्छे से गूंद कर रखेंगे हम, उसका डो बनाकर, सॉफ्ट डो बनाकर रखना है, सख्त नहीं रखना है, नहीं तो हमारी जो पोली बनेगी वो सख्त बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो आटे को अच्छे से गूंदना जरूरी है। देखिए आटा हमारा कितना अच्छे से, डो हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसे ढककर रख देते हैं आधे घंटे के लिए। देखिए कितना सॉफ्ट हमने गूंदा है, तो इसे तकरीबन 3/4 कप पानी लगा है। और अगर आपका आटा 3/4 कप पानी डालने के बाद भी अगर सख्त लग रहा है आपको, तो आप हाथ में पानी लगाकर उसको अच्छे से इस तरह सॉफ्ट गूंद लेना। तो अब हम इसे ढककर रख देते हैं आधे घंटे के लिए। हमारे आटे को आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इसमें से एक पेड़ा निकालते हैं। देखिए सॉफ्ट हो गया है आटा हमारा। इस तरह से हमें ये पेड़ा लेना है और उसके बाद हमने इसमें जो हमने पूरन बनाया है उसका भी हमें पेड़ा लेना है। मैं आपको बताती हूँ, हमने एक पेड़ा लिया है, तो पेड़े को हमें इस तरह से इसको अंगूठे से दबाते हुए राउंड राउंड शेप देना है यानी कि इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है और वाटी की तरह इसको बनाना है।
ये देखिए, तो अब हम इसमें ये बॉल को रख देते हैं और इस तरह से इसको पैक करेंगे। पूरन का हमने ये बॉल बना लिया है और इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है, तो इस तरह से इसको अंदर ये देखिए पैक करना है। देखिए कितना अच्छे से पैक कर दिया है हमने, तो अब हम इसे इस तरह से करके इसको हम मैदे में डिप करेंगे, सूखे मैदे में, और इसको बेल लेंगे। बेलते हुए हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से बेलना है। देखिए पूरी किनारी तक हमारा जो ये पूरन है वो अंदर से आ चुका है, कितने अच्छे से ये स्प्रेड हो गया है अंदर भी। देखिए हमने इस तरह से बेल लिया है पूरन पोली को और तवे पे हम इसको डाल देते हैं। तवा हमारा गरम है, जैसे ही नीचे से सेकने लगेंगी तो हल्के हल्के ऊपर से ड्राई हो जाएंगी और हल्के हल्के बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए इसको साइड से कैसे बबल्स आ रहे हैं, तो अब हम इसे पलट देते हैं। पलटने के बाद भी इसी तरह इसको बबल आना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी तो ये फूल ही जाती है पूरी। फिर भी हम इसे इस तरह से कपड़े की हेल्प से, कपड़े की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह से सेक लेते हैं। देखिए फूल गई है हमारी पूरन पोली, तो अब हम ऊपर से घी लगा लेते हैं इसको और अब हम इसको पलट देते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी पूरन पोली फूल गई है। तो अब हम फिर से घी लगाकर इसको पलटेंगे और इसको निकाल देंगे। तो हम एक बताते हैं आपको, देखिए इस तरह से हमने इसको कितना अच्छा और पतला बेल लिया है और इसका पूरन भी देखिए कितना अच्छा नजर आ रहा है। अब हम इसको पलट लेते हैं। जैसे नीचे से ये सेकने लगेंगे तो देखिए इस तरह से ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। हल्का हल्का घी जैसे डाल देंगे हम, वैसे ये ऊपर आ गई है। देखिए कैसे फूल गई है, इससे हम इसको हल्का सा घी लगाएंगे, उसके बाद इसको हम पलट देंगे। कितनी सॉफ्ट बनी है देखिए। देखिए हमारी पूरन पोली बनकर तैयार हो गई है, हमने इसे प्योर घी के साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही मजे की बनी है, सॉफ्ट बनी है, मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना। तो हमें इसके लिए लगने वाली है चना दाल, जो मैंने 300 ग्राम ली है। उसको ओवरनाइट भिगो के देखो, अच्छे से फूल भी गई है। ओवरनाइट भिगो के लिया है, पानी से उसको अलग किया है मैंने। और यह है गुड़, जो 250 ग्राम लिया है मैंने, इसके लिए लगने वाला है पूरन के लिए। ये देखो डार्क कलर का गुड़ लिया है मैंने इस तरह से, इसको टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और पूरन का कलर भी बहुत अच्छा आता है, इसके लिए मैंने ये डार्क कलर यूज किया। इसको मिठास भी बहुत ज्यादा रहती है।
और अगर व्हाइट वाला हम यूज करते हैं गुड़, तो उसकी मिठास कम होती है और उसको टेस्ट भी थोड़ा कम आता है, तो इसके लिए हमें ये यूज करना है। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, ये दालचीनी पाउडर 1/2 टीस्पून, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून लिए मैंने। ये सारा इंग्रेडिएंट्स पूरन के लिए है, ये हम फिलिंग के लिए यूज करेंगे। अब हम आटे की तैयारी करते हैं। अब ये आटा लिया है मैंने 3 कप, देखो मैदा 3 कप लिया है मैंने। ये मैंने नमक लिया है 1/2 टीस्पून और ये हल्दी लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, क्योंकि फूड कलर लोग यूज़ करते हैं, मैं ये फूड कलर की जगह हल्दी यूज़ कर रही हूँ, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और उसका नेचुरल कलर भी अच्छा आता है। ये मिल्क लिया है मैंने 1.5 कप भर के लिया है और ये ऑयल लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। अब हम ये सब को इस आटे में ऐड करेंगे और इसको हम भून लेंगे। ये देखिए नमक और हल्दी हमें आटे में मिक्स करनी है और अच्छे से मिक्स करना है, देखो इस तरह से। ये देखिए इस, और अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, बाद में थोड़ा यूज करेंगे। अब हम दूध डालते हैं इसमें, ये देखिए। हमें अच्छे से इसको सॉफ्ट डो बनाना है इसका, और आधे घंटे के लिए हमें रखना है इसको। अगर आपको दूध कम पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमें थोड़ा पानी में ऐड कर रही हूँ, ये देखिए, और अच्छे से इसको साफ करना है हमें, थोड़ा गूंद गूंद के हमें इसको साफ करना है। हम ऑयल भी ऐड करते हैं जो हमारा बचा है। ये देखो अच्छे से इसको गूंदना है हमें, सख्त नहीं रखना है। ये देखिए कितने अच्छे से गूंद लिया है, सॉफ्ट आटा किया है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब हम पूरन की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कुकर रखा है, अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। आपके सामने ही मैं पानी भी ऐड करूंगी, दाल के हिसाब से हमें पानी लेना है। ये देखिए इस तरह मैंने दाल डाली है अंदर, ये देखिए अब पानी ऐड कर रही हूँ और 1 कप पानी हम डालेंगे इसमें, 1 कप लिया है। ये देखिए दाल के अंदर से हमें पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है हमें, उसी पानी में हमको पका कर लेना है। देखो हमने 1/2 कप डाल दिया है, बस हो गया। नमक डाल रही हूँ, अब हमें इसको ढक्कन लगा के धीमी फ्लेम पे रखना है। ये देखिए दाल के हिसाब से मैंने पानी कैसा रखा है, हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि दाल को ओवर कुक नहीं करना है। अगर दाल हमारी ओवर कुक हो गई तो दाल पतली हो सकती है और दाल सारा पानी पी लेंगी और फिर गुड़ अपना मॉइस्चर छोड़ेगा तो और पतला हो जाएगा, इसलिए हमें अपने अंदाज से दाल के अंदाज के हिसाब से ही पानी डालना है। तो ये देखो ये मैंने ये इस तरह से पानी लिया है, कम 2 कप सिर्फ लिया है, ये देखो। और अब हम अंदाज ऐसे ही लेंगे कि हमें दाल के हिसाब से पानी लेना है। अब हम ढक्कन लगा, अब हम दाल को चेक करते हैं। ये देखिए हमारी दाल, मेरी 2 सीटी में ही पक गई है दाल, ये देखिए अच्छे से पानी भी नहीं है इसमें। अगर आपका पानी ज्यादा भी हो जाए तो आप पानी को निकाल सकते हैं। ये देखिए मेरे दाल में पानी नहीं है, अब मैं इसको दूसरे बर्तन में ऐड करती हूँ फिर उस। ये देखो बर्तन को मैंने लो फ्लेम पे रखा है, अब मैं इसमें दाल को ऐड करती हूँ। ये देखो दाल में पानी नहीं है, सारी दाल हम इसमें निकालते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखना चाहिए ना अंदर दूर कैसे पकता है दाल में। ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें गुड़ डालते हैं। पहले थोड़ा सा बाकी रखी हूँ मैंने, अगर लगा तो मैं ऐड करूँगी क्योंकि गुड़ ज़्यादा मीठा है ये। इसको ऐसे हिलाते रहना है हमें लो फ्लेम पे क्योंकि नीचे लग ना जाए हमारी दाल। ये देखिए कैसे गुड़ ने मॉइस्चर छोड़ा है, इसलिए हम पानी कम डालते हैं। लेकिन कोई कोई पानी रहेगा भी तो उसकी आमटी बनाते हैं,
मैंने इसका पानी का यूज इसी में किया है, पानी को इसी के अंदर मैंने कम पानी में ही बना के लिया है। ये देखो इस तरह से। अब ये जो इसका पानी है वो हम इसको सुखा देंगे। ये देखिए गुड़ जो हमने डाला था वो पूरा मेल्ट हो गया है, जो बचा हुआ था वो भी मैं पूरा डालूंगी। पूरा 250 ग्राम गुड़ हमें लग गया है इसके लिए। अब इसको भी मेल्ट करना है, इसी तरह हिला के मेल्ट हो जाएगा ये। ये देखिए हमारा गुड़ भी पिघल गया है, अच्छे से मेल्ट हो गया, और हमारी दाल पककर देखो कैसे सूखने भी लगी है। इसमें का मॉइस्चर हमें थोड़ा सा सुखाना है। हम इसको थोड़ा सा और ये इस तरह से मैश करेंगे, ये देखिए, फिर आसानी हो जाएंगी अगले स्टेप में हमें। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा इसको मैश करके लेना है, तो ऑलमोस्ट इसी में ये वो पीसने के जैसी हो जाती है। देखिए ये देखिए कैसे मॉइस्चर इसका गायब हो गया है। देखिए हमें थोड़ी और इसके इसको ऐसी हिलानी है, और ये सारे जो मसाले रखे थे मैंने, ये दालचीनी पाउडर और ये इलायची पाउडर, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैंने ऊपर से इसके लिए डाली कि इसकी खुशबू वैसे ही रहे, इसलिए मैंने इसको ऊपर से डाला है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा इसका मॉइस्चर गायब हो गया है। अब हम इसे फ्लेम बंद करते हैं और थोड़ा ठंडा थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा गुनगुना करने के बाद हम इसको मैश करेंगे। ये देखिए हमारा पूरन कैसा रेडी हो गया है, और कैसे अच्छे से सूख गया है, ड्राई हो गया है देखिए, और ऐसा गुनगुना भी है जिसको ऐसे छू सकती हूँ इतना है। इसका ओरिजिनल तरीका ये है कि ये इसको पुराने ज़माने में सिलपट्टे पे पीसते थे लोग, और अभी भी कोई कोई है वो सिलपट्टा यूज़ करता है, लेकिन अपार्टमेंट में कोई सिलपट्टा ज़्यादा करके यूज़ नहीं करता। इसके लिए कोई है तो वो मिक्सर भी यूज़ करते हैं, कोई है वो पूरन मेकर भी यूज़ करता है। मैं बता रही हूँ अलग तरीका है, जाली पे मैं करने वाली हूँ। ये देखो इस तरह से, अगर कभी मिक्सर में लाइट नहीं है तो हम मिक्सी में भी नहीं लगा सकते, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम जाली में कर सकते हैं। तो मैं आपको इस पर करके दिखाती हूँ, और कैसा महीन पेस्ट भी होती है इस पर। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा लेके इस पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है, और ये इस तरह से हम करेंगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप वो किसी वाटी से इस तरह से स्टील की वाटी देंगे तो आप इसके इससे भी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर ऐसा रहेगा तो इससे करो, ऐसा कुछ ना कुछ आपके पास है तो ऐसा इस तरह से इसको मैश करने के लिए यूज़ करो। ये देखिए इसको सिर्फ ऐसे मैश करना है जाली पे, वो अच्छे से मैश हो जाता है नीचे से। ये देखिए कैसे नीचे से बारीक पेस्ट हो रही है इसकी। ये देखिए हमें इस तरह से ऐसे करके पूरा ऐसे ही करके सामान पूरी पेस्ट बनानी है, ऐसे गोल गोल घुमाना है इसे। ये देखिए ऐसे घुमाना है। ये देखिए नीचे कैसे ड्राई और कैसे अच्छे से हो गई है, देखो पेस्ट हो गई है इसकी। अब हमें इसी तरह से सारी करनी है, सारा पूरन ऐसे ही हम रेडी करेंगे जाली पे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारा पूरन रेडी कर लिया है। अब हम ज़रा हाथ को पानी लगाते हैं और ये सब पूरन को डो बना लेते हैं पूरन का। इस तरह से देखो सब पूरा मैंने फिनिश कर लिया है मैश करके। ये देखिए इस तरह से सारा मैश किया हुआ ये पूरन, उसका मैं डो बनाती हूँ। ये देखिए हाथ को थोड़ा पानी लेंगे और फिर और उसका डो बनाएंगे, ऐसे मसल के उसको करना है। ये देखिए एक समान होना चाहिए, क्योंकि वो हम थोड़ा थोड़ा करके करते तो उसकी गुठली भी हो जाती है ना, इसलिए देखिए एक समान करना है। ये देखिए फाइन पेस्ट बन गई है इसकी। ये देखिए अच्छे से हो गया है। ये देखिए आटा भी हमारा अच्छे से फूल गया है। अब हम बनाने को शुरू करते हैं। ये
ये देखिए हम उसको थोड़ा सा ऐसे ऑयल लगाएंगे और ऐसे बाउल की तरह इसको ऐसे प्रेस करके इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें वो पूरन ऐड करेंगे जो फिलिंग हमने रेडी की है। ये देखिए ऐसे करके हमें पैक करना है इसको। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पैक करना है। ऐसे करके मैं सारे बना लेती हूँ, फिर हम इसको बेल लेंगे और सेकते वक्त तुमको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसका आटे का पेड़ा लेना है और ऑयल हाथ में ऐसे लगा के उसको ऐसे प्रेस करते करते उसको राउंड करना है। ये देखिए ऐसे हमें इसको एक छोटी ऐसी चांदनी बना के लेनी है उसकी। ये देखिए उसमें हम ये फिलिंग भर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये ऐसे आटा नज़दीक लाते लाते इसको इस तरह से पैक करेंगे। ये देखिए ये पीला कलर आपको दिख रहा है, हल्दी की वजह से आया है, इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है मैंने, ये नेचुरल कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सेकने के बाद भी आप देखेंगे पूरनपोली का भी कलर कितना अच्छा आएगा। ऐसे ही करके मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने आटे में डिप करके लिया है, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से बेलेंगे। बेलन हमें ऐसे चारों तरफ आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है ताकि अंदर की फीलिंग ऐसे फैल जाए। ये देखिए आपको फीलिंग दिख रही है ना कैसी फैली है अच्छी तरह से, वैसे हमें आहिस्ता आहिस्ता बेलन घुमाना है। ये देखिए ये देखो ऑलमोस्ट हो गई है, मैंने तवा भी गर्म करने के लिए रखा है, अब हम सेकने लेते हैं इसको। ये देखिए पतली बेलनी है, ज्यादा मोटी नहीं रखनी है हमें इस तरह से। ये देखिए फ्लेम हमें मीडियम स्लो रखनी है। ज्यादा फास्ट नहीं रखना है, रोटी जल जाएगी पोली नीचे। ये देखो सेक भी गई। ये देखिए हमारी पूरन पोली पटी भी नहीं है, नहीं तो कहीं कहीं लोगों की पट भी जाती है, वो दाने और जो दाल के रहते हैं ना उस वजह से पट्टी है। हमने अच्छे से पूरन को पीस लिया था, मैश कर लिया था, इसलिए देखो अपने आप ही फूल रही है पूरन पोली। हम घी लगाएंगे उसको। ये देखिए इस तरह से हम सेक लेते हैं इसको। ये देखिए कितनी अच्छी सी फूल गई है, आप भी बना के देखना आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे घर के लोग तो राह देख रहे हैं कब बनेंगी कब खाएंगे, खुशबू से घर में बहुत महक रही है खुशबू। ये देखिए ये देखिए मैंने दूसरी भी बेल ली है, देखिए कैसे अच्छी बनी है। ये देखिए चारों तरफ से हम बेलन कैसे घुमा रहे हैं, ये देखिए कैसी फीलिंग भी अंदर से दिख रही है। ये देखो अब मैं सेका लेती हूँ उसको।
ये देखिए हम दूसरी भी सेक रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं सेका के कैसी जो दूसरी भी बन रही है। देखिए कैसे अच्छा सा कलर आया है इसको और अपने आप फूल रही है, इतना अच्छा आटा भी अच्छा हो गया है, गुन गया था अच्छा सा। देखिए कैसे अपने आप फूल रही है। अब हम घी लगाएंगे उसको और पलट देंगे। देखिए कैसी फूली है और अच्छा सा कलर भी आया है उसको। हमें ऐसे कपड़े से या फिर पलीते से आप सेका सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो चारों तरफ से सेकनी चाहिए, अच्छी सी लाल हो गई तो खाने में भी मजा आता है। ये देखिए मैंने पूरन पोली को सर्व कर लिया है देसी घी के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, आप भी जरूर ट्राई करना। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।